everyone, this side Preet Kumar. I'm a lecturer at Mehchandpura Technical College in Andhra. Today I will be discussing with you the subject details of programmable logic controller. But before starting with the subject, I would like to share an important information, and that is related to Mission Fateh, the campaign run by Government of Punjab. It says that we should wash our hands regularly. We should use sanitizer and wear mask whenever we go out of our house, and along with that we should maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation as soon as possible. So let's move on to today's topic, and that is related to the counters. As you all know that in the previous lecture we have discussed about the timers, that how the timers, the timing clock pulses, and according to the clock pulse, the timing situation, the delay functions are being performed with the help of the timers and the PLC. So today in this lecture we will discuss about the counters. अब counters का क्या मतलब है? Counter का मतलब है जो count करता है. Count meaning कि जो from one position to another position, whenever we need to count something, मतलब counter जो है यहाँ पे वो process control जो आपकी operations होते हैं उसके लिए हम लोग use करते हैं. Process को control करने वाले जो operations हैं उसमें हम लोग counters को use करते हैं. Example लेते हैं जैसे कि कितने कोई आपका है, कोई इंडस्ट्री है, राइट? तो वो इंडस्ट्री के अंदर हमने कोई पैकेजिंग का काम करना है. उस पैकेजिंग के अंदर वी हैव सम से कैंडीज, वो कैंडीज को एक कंटेनर में फिल करना है. तो वी वांट कि एक कंटेनर में 50 कैंडीज होनी चाहिए, या 20 कैंडीज होनी चाहिए, या 30 होनी चाहिए, वट एवर वी आर हैविंग इट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द वेट, इसमें 50 कैंडीज आनी चाहिए या 30 कैंडीज आनी चाहिए एक बॉक्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, राइट? तो उस टाइम पे एक एक पर्सन, अगर एक पर्सन हम लोग लगाएंगे, या टू पर्सन, या थ्री पर्सन, 10 पर्सन भी कम पड़ेंगे इंडस्ट्री के अंदर हर एक कंटेनर में 20 कैंडीज बाय हैंड जो है वो फिल करने के लिए. दैट इज़ वाई इन दिस प्रोसेस, इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, काउंटर्स को इन्वॉल्व करते हैं. जो PLCs हम लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, काउंटर्स लगा देते हैं. तो वो काउंटर्स क्या करते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी वो कैंडीज जो हैं वो फिल्ड हैं. उसका बॉक्स के नीचे जैसे कंटेनर आया तो उसने कैंडीज जो हैं काउंट करके, उसने 20 कैंडीज या 30 जो भी उसके अंदर वैल्यू फिक्स करी हुई है, तो वो कैंडीज जो है वो उसने उसमें फिल कर दी. वो आगे कंटेनर चला गया, आगे उसकी लिड लग गई, आगे वो पैक हो गया, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इस तरह से कुछ प्रोसेसेस जो हैं, जो कंट्रोलिंग जिनके अंदर चाहिए, इस तरह के कुछ प्रोसेसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, काउंटर्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, राइट? तो इसी तरह से हमारे काउंटर्स जो हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के काउंटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली PLCs के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, दैट इज देट आर योर अप काउंटर्स, डाउन काउंटर्स, एंड योर अप डाउन काउंटर्स. तो अप काउंटर मीन्स दैट विल काउंट फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू. डाउन काउंटर्स मीन्स दैट विल काउंट फ्रॉम द मैक्सिमम टू द मिनिमम वैल्यू, और टू फ्रॉम द मैक्सिमम टू द जीरो वैल्यू. देन देयर आर ऑल्सो अप डाउन काउंटर्स, राइट? सो अप डाउन काउंटर मीन्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. दे आर हैविंग द अपवर्ड काउंटिंग ऑल्सो एंड द डाउनवर्ड काउंटिंग ऑल्सो. और इसकी एग्जाम्पल हो सकती है जैसे एक कार पार्किंग सिस्टम है, राइट? सो अब कार पार्किंग सिस्टम में अगर हमने मैनेज रखना है, मैनेज करना है इस चीज़ को कि आपकी कितनी कार्स जो हैं या उसमें स्पेस कितनी है, पार्किंग के अंदर स्पेस कितनी है, तो हमने क्या किया, एक अप डाउन काउंटर जो है वो एंट्रेंस के ऊपर लगा दिया, उसके साथ सेंसर्स लगा दिए. तो जो भी आपकी कार्स हैं जो एंटर कर रही हैं तो वो काउंट अप कर जाएगा, राइट? और जितनी भी कार्स अगर बाहर निकल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो काउंट डाउन कर लेगा. तो उससे उसके हिसाब से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि हाउ मेनी पार्किंग स्पेसेस आर लेफ्ट. तो वहाँ पे हम लोग जैसे एक डिस्प्ले स्क्रीन बना के तो उसके बाहर हम लोग लिख सकते हैं कि इतनी कार्स, इतनी स्पेस अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल 30 कार्स की स्पेस अवेलेबल है, 20 कार्स आर इनसाइड एंड 10 कार्स की स्पेस जो है वो लेफ्ट है. तो यू कैन गो इनसाइड और आप अपनी कार जो है वो पार्क कर सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे अप काउंटर और डाउन काउंटर्स जो हैं वो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं. तो अब जो PLCs में हम लोग काउंटर्स यूज़ करते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या है,
काउंटर एड्रेस फॉर्मेट है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि आपके काउंटर की वैल्यू क्या है, क्या वो अप काउंटर की तरह वर्क कर रहा है, क्या वो डाउन काउंटर की तरह वर्क कर रहा है, क्या वो काउंट कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है. अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी सम डेटा दैट वी हैव टू, और सम कंट्रोल वर्ड दैट वी हैव टू सी, राइट. तो अगर हम लोग देखें, जैसे हमारे टाइमर एड्रेस फॉर्मेट था, उसी तरीके से हमारा काउंटर एड्रेस फॉर्मेट है, राइट. तो काउंटर एड्रेस फॉर्मेट भी जो है वो 3 words का है, एंड ईच वर्ड इज ऑफ 16 bits, राइट. तो अब सबसे पहले जो वर्ड 0 है, इट इज़ वर्किंग एज अ कंट्रोल वर्ड, वो स्टेटस बिट्स का काम कर रहा है. इसमें सारी स्टेटस बिट्स हैं, कंट्रोल वर्ड का काम कर रहा है. जो वर्ड 1 है, दैट इज़ अ प्रीसेट वैल्यू, दिस वर्ड 2 इज़ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है. तो अगर हम प्रीसेट वैल्यू की बात करें, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जैसे टाइमर्स में देखा, तो प्रीसेट वैल्यू वही मैक्सिमम वैल्यू है जो कि जिसके बियॉन्ड जो है हम लोग उसको सेट नहीं कर सकते. काउंटर्स को अगर हमने कोई भी टाइमिंग देनी है, कोई भी कितने तक वो काउंट कर सकता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -32768 से लेके +32767 तक. नाउ इफ़ यू ऑल रिमेंबर, देन टाइमर्स के अंदर ये जो वैल्यू थी, इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड रीचेज अप टू 32767, राइट. बट जो यहाँ पे है ये वैल्यू, यहाँ पे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स. तो हमारे पास अप काउंटर भी है और डाउन काउंटर भी है. तो अप काउंटर में इट विल गो टू द प्लस साइड, एंड डाउन काउंटर में इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. दैट इज वाई दिस इज द प्रीसेट वैल्यू, जो उसकी रेंज है कंप्लीट. तो ये मैक्सिमम रेंज है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू उसकी सेटअप कर सकते हो. देयर इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू. एज वी ऑल नो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द काउंटर, जहाँ पे काउंटर प्रेजेंटली वर्क कर रहा है. तो ये हम लोग देखते हैं कि क्या काउंटर अपनी प्रीसेट वैल्यू तक पहुँच चुका है या नहीं पहुँच चुका है. दैट वी विल गेट टू नो अबाउट फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड वैल्यू. नाउ कम्स अबाउट द वर्ड 0, दैट इज द कंट्रोल वर्ड, और दैट इज द स्टेटस बिट्स, ठीक है. तो स्टेटस बिट्स में सबसे पहले हमारे पास CU. CU का मतलब है अप काउंटर. तो ये अप काउंटर जो बिट है, ये तब सेट होगी जब हमें पता चलेगा कि जो काउंटर है, जब ये सेट होगी, देन वी विल कम टू नो कि जो काउंटर है वो अप काउंटर की तरह वर्क कर रहा है. CD मीन डाउन काउंटर. जब ये बिट सेट होगी तो हमें पता चलेगा कि वो डाउन काउंटर की तरह वर्क कर रहा है. डन बिट, एज वी ऑल नो, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी या उससे बढ़ जाएगी, तो डन बिट जो है वो सेट हो जाएगी. दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने सेट करी थी, उस मैक्सिमम वैल्यू तक आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो पहुंच चुकी है. आपका काउंटर जो है वो उस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है. तो आपकी डन बिट जो है, दैट विल टेल अस. देन वी आर हैविंग 2 bits, OV एंड UN. OV इज योर ओवरफ्लो बिट. ओवरफ्लो बिट मीन्स दिस बिट विल वर्क इन केस ऑफ द अप काउंटर. जब वो अप काउंटिंग कर रहा है, उस टाइम पे अगर आपकी जो वैल्यू है वो +32767 जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, एक्सीड करके वो कहाँ पहुँचेगी, नेगेटिव मैक्सिमम पे, राइट. क्योंकि वो जो रेंज है वो एक्चुअली एक तरीके का सर्कल है, राइट. सर्कल मीन्स जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -32768 से स्टार्ट हो रहा है, इट रीचेज अप टू 32767 और फिर दोबारा से यही पहुँच रहा है. तो इट इज़ मूविंग लाइक दिस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो ये इनके बीच में मूव कर रहा है, राइट, इस पूरी रेंज के अंदर. तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पर आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू पहुँच गई, उसमें अगर +1 हुआ, अगर वो इसके बाद इंक्रीमेंट हुई, तो वो इंक्रीमेंट होके माइनस की मैक्सिमम रेंज पर पहुंच जाएगी, राइट. तो अगर इस तरह से अब काउंटर के अंदर अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, जब वो इस मैक्सिमम रेंज को क्रॉस करके माइनस वाली रेंज में पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे OV ओवरफ्लो बिट जो है वो आपकी सेट हो जाएगी, एंड यू विल कम टू नो कि ये आपका यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है. देन आफ्टर आ गई UN. UN इज योर अंडरफ्लो बिट, ठीक है. ऑब्वियसली अगर ओवरफ्लो बिट है वो काउंटर अप के केस में वर्क करी है, तो अंडरफ्लो बिट जो है वो काउंटर डाउन के केस में वर्क करेगी. तो काउंटर डाउन के केस में अगर आपकी रेंज -32767 से बिलो चले जाती है, ठीक है, तो मतलब वो बिलो जाके कहाँ पहुँचेगी, सीधा 32767 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव वाले के पास पहुँचेगी. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से वो जो है वो वर्क कर रही है, राइट. तो अगर वो यहाँ पहुँचेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मतलब आपका जो काउंटर डाउन काउंटर है वो अपनी जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम लिमिट है, उसको क्रॉस कर चुका है. तो उस टाइम पे अंडरफ्लो बिट जो है वो सेट हो जाएगी. जब ये बिट सेट होगी, तो वी विल कम टू नो कि ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, तब उसको रीसेट कर दो, ठीक है. रीसेट के लिए हम RES इंस्ट्रक्शन बेसिकली यूज़ करते हैं. RES इंस्ट्रक्शन इज
फॉर रीसेटिंग एनी टाइमर और काउंटर. जो भी हम टाइमर या काउंटर यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हमने रीसेट करना है, उसकी सारी वैल्यूज जो है उनको ज़ीरो करना है, सारी बिट्स को ज़ीरो करना है, तो उस टाइम पे हम लोग रीसेट इंस्ट्रक्शन जो है उसको इनेबल कर देते हैं, RES इंस्ट्रक्शन को इनेबल कर देते हैं, तो हमारा टाइमर या काउंटर जो है वो रीसेट हो जाता है. बट टाइमर ऑफ डिले टाइमर के अंदर हमें रीसेट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफ कंडीशन में वर्क कर रहा होता है, राइट. और या ऑटोमेटिकली आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो ऑफ हो जाता है, राइट. तो उस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. अदर देन दैट टाइमर्स और काउंटर किसी भी केस में हम लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. उसके बाद आ गई अब हमारी काउंटर की इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि जब हमने ये तो हो गया बेसिक काउंटर कैसे काम करता है, कौन सी बिट्स होती हैं, कब कौन सी सेट होनी है, कब कौन सी रीसेट होनी है, ये हम लोगों को पता चल गया. लेकिन अब मेन चीज़ क्या है, जब हम लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमने इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी है. जैसे हमने टाइमर के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज़ की थी टी ऑन टी ऑफ आर टी ओ एंड ऑल, राइट. उसी तरह से काउंटर इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारे पास टू टाइप्स के काउंटर्स जो मेन वर्क करते हैं, और जो अप डाउन काउंटर है वो इन दोनों काउंटर्स को हम कैस्केड में लगा के कॉम्बिनेशन में लगा के तो उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट विल वर्क एज एन अप डाउन काउंटर. तो मेन टू इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी. फर्स्ट वन इज काउंट अप इंस्ट्रक्शन, सी टी यूज का नाम है. सेकेंड वन इज काउंट डाउन इंस्ट्रक्शन, उसका नाम है सी टी डी. ओके, तो काउंट जो अप इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, जो काउंटर सबसे पहले हमने क्या तीन वैल्यू सिर्फ उसमें डाली, जैसे हम टाइमर्स के अंदर चार वैल्यूज लिख रहे थे, ठीक है, कि टाइमर का नाम क्या है, उसका बेस क्या है, प्रीसेट और एक्यूमुलेटर. तो यहाँ पे टाइम बेस की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट अ टाइमर, दिस इज अ काउंटर, तो हमें सिर्फ काउंटर काउंटिंग पॉइंट की जरूरत है, राइट. तो यहाँ पे क्या है, काउंट अप काउंटर C505, जो भी हमने काउंटर का नाम रखना है लिखना है, ठीक है. देन इज योर प्रीसेट वैल्यू 120 एंड देन इज योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू. तो प्रीसेट वैल्यू भी कितनी भी हम सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना काउंट करना है, ठीक है. और ये होगी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो अब इसमें होगा क्या, इसकी आउटपुट पर हमें क्या मिलेगी, दो इंस्ट्रक्शन मिलेगी, एक सी यू इंस्ट्रक्शन मिलेगी और एक डी एन इंस्ट्रक्शन मिलेगी, राइट. तो अब जो सी यू इंस्ट्रक्शन है, या तीन चीज़ें जो हैं वो स्टेटस बिट्स, जो इसकी स्टेटस बिट्स में वर्क कर रही हैं, दे आर थ्री थिंग्स. वो तीन चीज़ें, वो तीन स्टेटस बिट्स कौन कौन सी हैं, ओ वी डी एन और सी यू, ठीक है. यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी काउंट डाउन है, सी टी डी इंस्ट्रक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो, आउटपुट पे सी डी है और डन बिट है. इसमें सी यू और डन बिट है, इसमें सी डी और डन बिट है, क्योंकि ये अप काउंटर की बिट है, ये डाउन काउंटर के लिए है, ठीक है. तो इसमें भी वही काउंटर की वैल्यू, प्रीसेट की वैल्यू, एक्यूमुलेटेड की वैल्यू, सिर्फ एक डिफरेंस है सिर्फ इसके अंदर सी यू और सी डी का और काउंटर के नाम का, दैट्स इट, बाकी सारा सेम है. अब स्टेटस बिट्स में देखिए, इसमें भी सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है, ओ वी और यू एन और सी यू और सी डी अकॉर्डिंगली, राइट. तो ओ वी ओवरफ्लो बिट, वही जब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो ओवरफ्लो बिट है वो कैसे वर्क करेगी, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब माइनस 32767 हो जाएगी फ्रॉम प्लस 32767 से बढ़ के, मीन्स उससे क्रॉस करके माइनस वाली रेंज में पहुंच जाएगी तो ओवरफ्लो बिट सेट हो जाएगी. यहाँ पे जब वो प्लस वाली रेंज पे पहुंच जाएगी, फ्रॉम दैट माइनस, माइनस के नीचे जाके प्लस वाली रेंज में पहुंच जाएगी, तो अंडरफ्लो बिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी. डन बिट का दोनों का सेम क्राइटेरिया है, जब आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू. ऐसे ही सी यू और सी डी, सी यू मतलब काउंट अप, काउंट अप इंस्ट्रक्शन, जब आपकी रंग कंडीशन, जब आप जिस रंग में आपने काउंटर लगाया है, जब उस रंग की कंडीशन ट्रू होगी तो उस टाइम पे आपका काउंटर अप बिट जो है वो सेट हो जाएगी. इसमें जब आपकी काउंट डाउन वाली कंडीशन, जहाँ पे भी आपने काउंट डाउन टाइमर लगाया है, सॉरी काउंटर लगाया है, तो वहाँ पे उस रंग की कंडीशन, उस हॉरिजॉन्टल लाइन की, उस रंग की कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो आपका सी डी जो काउंटर, डाउन काउंटर है, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. इट विल स्टार्ट वर्किंग, इट विल बी इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू इक्वल टू वन हो जाएगी. एंड विद दिस यू विल कम टू नो अबाउट वेदर योर काउंटर इज वर्किंग और नॉट. और अगर अप डाउन काउंटर को कंबाइन करना है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों जो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस यूज़ की हैं, इनको लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग में एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो, और एज इट इज़ इनको यूज़ करके
आप लोग जो है एक अप डाउन काउंटर का कॉम्बिनेशन जो है वो उसके अंदर बना सकते हो, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज काउंटर इंस्ट्रक्शंस, राइट, एंड ऑल अबाउट द काउंटर्स दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द पीएलसीज। तो पीएलसी में ये वाले काउंटर इस तरह से यूज होते हैं, अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, अप डाउन काउंटर का मिक्सचर है, ये एप्लीकेशंस जहाँ पे यूज होनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई विश दैट इट इज ऑल क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ देयर विल बी एनी डाउट्स आई विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशंस। एंड इट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो सो दैट आई कुड come to know that whoever of you has gone through it very thoroughly. Okay, thank you so much and take care of yourselves.